हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट की जो बहाली आई है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट जो 2022 है, अगर आप बिहार पटना में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। ठीक है, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट है, क्लर्क का और चपरासी का, सब में काम आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यह पहला टेस्ट सीरीज है, इसमें भी मैं 22 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। ठीक है, और ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो लगता है कि एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसी से रिलेटेड वही है। ठीक है, तो अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यति का अर्थ क्या होता है? यति का अर्थ क्या होता है? तो यति का अर्थ जो होता है वो विराम होता है। ठीक है फ्रेंड, यति का अर्थ विराम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? कौन सा समास है फ्रेंड? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद या गौण या उत्तर का प्रधान हो, ठीक है, तत्पुरुष समास कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है फ्रेंड, विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्र पता लगाना। ठीक है, उम्र का पता लगाना। नेक्स्ट देखिए, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही शब्द कौन सा है फ्रेंड? तो इसमें सही शब्द इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, अज्ञात। जो ना जाना गया हो अज्ञात ही होता है ना। ठीक है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प फुल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन। सुमन जो है समानार्थी शब्द फुल का होता है। नेक्स्ट देखिए, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है फ्रेंड? तो इसमें जो हो जाएगा आपका संबोधन कारक है। ठीक है, कौन सा कारक? संबोधन कारक। नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा की कृति यामा है, महादेवी वर्मा की कृति क्या है इनमें से? तो इसमें से हो जाएगा काव्य संग्रह। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है खाद नहीं है, बाकी तुलना मिलान सदृश ये सब है। प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि। ठीक है, सृष्टि है। नेक्स्ट देखिए, जहरीला शब्द में प्रत्यय है, जहरीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है फ्रेंड? तो जहरीला शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा इल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्ला, याद रखिएगा इल्ला। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा त्रिपुर प्लस आरी। ठीक है, त्रिपुरारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा जीत प्लस इंद्रिय। ठीक है, जीत प्लस इंद्रिय। नेक्स्ट देखिए, आगन्य शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आगन्य प्लस अस्त्र। ठीक है, 16 का जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन शुद्ध वाक्य नहीं है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह गीत की दो लड़कियां गाती है, यह सही वाक्य नहीं है, बाकी सब सही है। सरासर शब्द है, सरासर शब्द क्या है? तो सरासर शब्द एक विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, क व्यंजन है, क व्यंजन है किसका? तो ये अघोष का। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट देखिए, आगे नाथ न पीछे पगह, लोकोतिक का क्या अर्थ है? लोकोतिक का क्या अर्थ है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ठीक है, किसी भी तरह का जिम्मेदारी का ना होना। अब देखिए, इंग्लिश आ गया, पटना हाई कोर्ट में इंग्लिश भी पूछता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सभी, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। मेंटेन, पहले ऊपर देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, तो मीनिंग हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कौन है देखते हैं, मेंटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटेन का। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए मेंटेन का मतलब होता है कायम रखना या जारी रखना। ठीक है, अब मेंटेन का एनाटोमियंस की बात करें तो अबैंडन होता है, डिसकंटिन्यू होता है, नेगलेक्ट होता है। ठीक है, नेगलेक्ट का मतलब त्याग, जारी नहीं रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अबैंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिमेंबर। रिमेंबर क्या क्या होता है, रिमेंबर को आपका पता होगा, रिमेंबर मिस होता है याद करना। ठीक है, अगर इसकी एनाटोनिम्स की बात करें तो देखिए रिमेंबर मिस याद करना होता है। ठीक है, फॉरगेट, तो फॉरगेट भूल जाना, ओवरलुक, नेगलेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से देखिए कौन सा है, रिमेंबर का, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा फॉरगेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पिक्यूलियर। देखिए इसका पिक्यूलियर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें से होना चाहिए। पिक्यूलियर मीन्स क्या होता है फ्रेंड, विचित्र होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है विचित्र। इसकी अगर बात करें इसका कौन कौन सा होता है, नॉर्मल होता है, ऑर्डिनरी होता है, यूजुअल होता है, क्यूरियस होता है, अनयूजुअल होता है, ओड होता है। इसमें से देखिए है नॉर्मल है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 24 से 26 क्वेश्चन जो है इसमें बता रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड या सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। ठीक है, तो 24 बोल रहा है नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, मतलब इसका हो जाएगा इनएलिजिबल। ठीक है, अयोग्य जिसे बोला जाता है, किसी कार्य के न करने की अनुमति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इनएलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन ऑफ कंपेन्ड बाई आर्म्ड ट्रूप्स ट्रूप्स। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बोल रहा है देखिए इस वाक्य को कन्वॉय से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, जिसका अर्थ काफिला होता है, रक्षार्थ मतलब साथ जाना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कन्वॉय, अभी बताया मैंने। देखिए नेक्स्ट, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, इसका मतलब क्या होता है 26 का, देखिए एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, भगवान की प्रतिमा जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसे आइडियल मानकर ही करते हैं ना, तो राइट आंसर इसमें आइडियल है, बिल्कुल है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, जो 27-31 है। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवेन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया ऑल द आई लाइक कैट्स आई कैंट डैश वन एज पेट, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दो का प्रयोग वाक में दो विपरीत अवधारणाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे पहले क्लॉज में कहा गया है कि मैं बिल्लियों को पसंद करता हूं, पर उसे अपना नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल दो, तो 27 का ऑल दो है, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, 27 का आपका बी हो जाएगा, एडॉप्ट। ठीक है ना, एडॉप्ट की बात नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ही इज ऑलवेज रेस्टलेस ही इज नेवर एट डैश विथ हिमसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड अर्थपूर्ण। ठीक है, आइडम एट पीस विथ है, जब इसमें नेवर को पहले रखेंगे अर्थात नेवर एट पीस विथ होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अशांत या बेचैन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी पीस, ठीक है, शांति की बात करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राधा वाज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर जो हमारा सही शब्द होना चाहिए वो एनेक्सियस होना चाहिए। ठीक है, एनेक्सियस, ठीक है, एनेक्सियस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जिसका अर्थ होता है वारिड एंड ऑफरेट, मतलब चिंतित या डरा हुआ। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, एनेक्सियस। उसके बाद इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पैसा न लौटाने पर कोर्ट तक खींचने की धमकी दी गई, पैसा न लौटाने पर कोर्ट की धमकी
अगर आप मेरा पैसा नहीं देते हो, सिंपल भाषा में बोले, अगर आप मेरा पैसा जो मैंने आपको दिया है अगर वो नहीं लौटाते हो तो मैं आपको कोर्ट तक खींच कर ले जाऊंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन है, यानी ड्रैग, कितना नंबर क्वेश्चन है, 30 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्रैग, ठीक है ना, कोर्ट तक खींच कर ले जाना, ड्रैग का मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन डैश विथ अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन का प्रयोग होने से एक बात स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मतलब है अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ करना है, मतलब जो प्रोटेक्शन प्रदान करने से संबंधित है, इसलिए सही प्रीपोजिशनल फ्रेज इन कॉम्बिनेशन विथ होना चाहिए, मतलब इसमें से जो प्रीपोजिशन होगा वो इसका डी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन की बात करता है, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, नेक्स्ट 32 और 34 जो है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच, नेक्स्ट देखिए 35 और 37 में बोल रहा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवेन फॉर द आइटम या फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज, जो बेस्ट मीनिंग दिखाता है, ठीक है ना, उसको हमें चूज करना है। देखिए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द एचलीज हिल फॉर हिज जॉब एस्पिरेंट, ठीक है, 35 बोल रहा है, एचलीज हिल का अर्थ होता है एनी पार्ट स्पॉट और एरिया डैट इज स्पेशली वल्नरेबल, ठीक है, या इसका मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति या वस्तु का कमजोर पक्ष, ठीक है, तो इस 35 का हो जाएगा कमजोर पक्ष यानी वीक स्पॉट, ठीक है ना, वीक स्पॉट, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, He took a leap in the dark with his investment in a stock. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए took a risk, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि an action of which the consequences are unknown. Take a risk, परिणाम जाने बिना कोई कार्य करना, ठीक है, तो यही took a risk हो जाएगा। उसके बाद बता रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, ठीक है, इसमें भी एक्सप्रेस मीनिंग चूज करना है, ठीक है, चलिए बताइए, फ्रैगिल, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब होता है फ्रैगिल मीन्स भंगुर, आसानी से टूटने वाला, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, फ्रैल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंडोन, ठीक है, कंडोन मीन्स क्या होता है, 39 जो है इसका मतलब माफ़ करना होता है, ठीक है, तो इसका इससे रिलेटेड हो जाएगा आपका एक्सक्यूज, इग्नोर, डिसएग्री, ठीक है, तो 39 का ये हो जाएगा फॉरगिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीज, रिलीज मीन्स क्या होता है, रिलीज मीन्स छोड़ना होता है, ठीक है, मुक्त करना होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जनरल नॉलेज की बात करता है, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर की बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको पता है कृषि वनों की कटाई के लिए जो जिम्मेदार है वो कृषि गतिविधियां का विस्तार हो जाता है, पशुधन गतिविधियां, वनों की कटाई, ये सब इसके जिम्मेदार लक्षण है, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है, विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है, विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम फतिमा बीबी, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, फ्रेंड, तो आपको पता है कि वो कुशीनगर में दिए थे, ठीक है फ्रेंड, कहाँ दिया था, कुशीनगर में, याद रखिएगा, ठीक है, कुशीनगर में उपदेश दिया था। शराब्दी में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, सारनाथ की बात करते हैं, यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, ठीक है, आगरा नाम से जाना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
45 का सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई फ्रेंड, तो 1916 में हुआ, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ था। भारत में होम रूल लीग के जनक एनी बेसेंट को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, ठीक है, जब 1914 से 1918 का सेशन था। नेक्स्ट देखिए, राजा का साहू प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो इसका राइट आंसर बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि दो तिहाई बहुमत से किसी नए अखिल भारतीय सेवा की वो स्थगित कर सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, 312 ए है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण पर कदाचार या असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा, किस कारण होगा, तो यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों पर, ठीक है फ्रेंड। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, अरब सागर और फारस की खाड़ी हार्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 50 का बी हो जाएगा, हार्मुज। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं तो क्या किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड, तो देखिए अरब सागर और फारस की खाड़ी हार्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को जोड़ता है, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मुज जल डमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं, समुद्रपुत्र किसे कहते हैं, तो ये गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहा जाता है, हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सागर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, चलिए बताइए, तो आपको पता है कि 23 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने से प्राप्त हुआ था, किस महीने से, तो ये अगस्त 2021 से प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड पॉलिटी, न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का मतलब क्या होता है, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है ये कि किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम, ठीक है, इसका यह मतलब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायालय की गतिविधियों में बेल फॉरफीचर शब्द का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है अदालत का वह आदेश जिसे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है कंप्यूटर के बारे में दिया गया, कंप्यूटर से भी रिलेटेड पटना हाई कोर्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था क्या था फ्रेंड, क्या था, चलिए बताइए, ये तो बहुत आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए 86 नंबर का राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा फ्रेंड, तो देखिए कंप्यूटर के बारे में हम बात करें, देखिए वैक्यूम ट्यूब को इलेक्ट्रॉनिक में निर्वात नली कहा जाता है, ठीक है, और यह एक ऐसी युक्ति है जिसका कार्य निर्वात में विद्युत धारा के प्रवाह पर आधारित होता है, इसे केवल ट्यूब या वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है, तो 86 का राइट आंसर वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए इसकी बात करें इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा है कहीं, हाँ पहले नंबर में ही ये एम है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, किसे माना जाता है, तो नेक्सस को पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए रैम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाईवे लेवल लैंग्वेज नहीं है, नहीं है इसमें से, तो आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है,
रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो ये रैम जो है ये प्राथमिक मेमोरी है, दिया है, हाँ डी दिया है, प्राथमिक मेमोरी होता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड, तो इंटेलिजेंस कोशेंट जो है ये विशेषता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है, ठीक है फ्रेंड, किस कंपनी के प्रोडक्ट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट। किस मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है, किसे प्रेस किया जाता है, तो ये प्रेस किया जाता है कंट्रोल प्लस एक कोमा और बिंदु, ठीक है राइट आंसर ये हो जाएगा, सेमी कॉलन जिसे बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या संग्रह युक्तियों जैसे स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम को उनके संग्रह आकार स्टोरेज साइजेस के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड, तो इसमें से रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइवर ये होता है सही क्रम में। कंप्यूटर में लोगो क्या है, कंप्यूटर में लोगो क्या होता है, कंप्यूटर में लोगो क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग भाषा होता है, ठीक है प्रोग्रामिंग भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, ठीक है स्प्रेडशीट का जो उदाहरण है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो ये साइबर लॉ, ठीक है साइबर लॉ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन से उपाय नहीं है, कौन से उपाय नहीं है, तो आपको पता है कि किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, ठीक है तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है, ठीक है आपको पता है कि सीरियल करता है, ठीक है सीरियल करता है याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है फ्रेंड, तो ये नाभिकीय शलायन अभिक्रिया है, ठीक है याद रखिएगा। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो ऑर्थोपोडा होता है सबसे बड़ा समूह, ठीक है ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा होमिसेल कहलाती है, ऑर्थोपोडा है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, क्या क्रिया होती है, तो देखिए संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें CaCO3 होता है, तो इसका रासायनिक जो होगा संयोजन और CaCO3 प्लस 2HCl रिएक्शन कराएंगे तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 क्रिया करेगा, ठीक है तो इसमें देखिए ऐसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल है, ये CaCO3 प्लस 2HCl रिएक्शन करेगा तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होती है, क्या होती है, तो आपको पता है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण और रक्त होता है, और रक्त विकिरणों की खोज की बात करें तो हर्सल ने किया था, ठीक है हर्सल ने किया था, और रक्त किरणों का तरंग दर होता है फ्रेंड 7 × 8 × 10⁻⁷, ठीक है लेकर 10⁻³ तक होता है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस दर्पण की फोकस लंबाई प्लस 15 है, तो यह है क्या है, यह क्या होगा फ्रेंड, जो आपको पता है कि प्लस में रहता है तो किसे कहते हैं, चलिए बताइए आप, ये तो हमको लग रहा है 9th-10th में मिला होगा पढ़ने के लिए, तो देखिए चलिए हम बता देते हैं आपको कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई पॉजिटिव है तो यह उत्तल दर्पण होता है याद रखिएगा। जिस गोलीय दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, तो आपको भी पता होगा ठीक है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2 यह फॉर्मूला होता है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए मैथ का है तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है, ये दिया है तो सॉल्व कीजिएगा ठीक है ना, वीडियो पे यूज कर आप सॉल्व कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ठीक है, इसको वीडियो पे यूज कर भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम 62 नंबर को, तो इसका राइट आंसर कितना आना चाहिए,
मान लीजिए 32/4 रहेगा, 8 हो जाएगा। इसका फिर मध्य अनुपात निकालेंगे रूट अंडर कर कर, तो हमारा राइट आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। 63 का अगर सॉल्व करेंगे तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह 1364 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैथ बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है, और रीजनिंग और GKGS, जिसका GKGS और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा वो बाजी मार सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैथ का 64 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10% आएगा, और 65 नंबर का राइट आंसर जो आएगा वो 256 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो पटना हाई कोर्ट में बहाली आई हुई है उससे रिलेटेड। मैं इसमें 22 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, यह पहला था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, सुझाव दें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो आप कमेंट में राय दे सकते हैं, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिट रहे और मन लगाकर पढ़ाई करें।